और हम आपको ऊपर ले चलते हैं। ये जो तो जब आप ऊपर आएंगे तो एकदम खुली छत है, नमस्कार मैं हूं सीमा, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। राजधानी पटना में जो लोग हैं वो खाने पीने के शौकीन हैं, ऐसा नहीं है कि लिट्टी ही यहाँ की पसंदीदा डिश है, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। फास्ट फूड का मार्केट है वो बढ़ा है और लोगों का जो शौक है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक नई चीज़ हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं राजधानी पटना में कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है स्टर्लिंग कैफ़े के नाम से, ये अपने आप में एक नायाब तरीके का राजधानी पटना में है। ये ट्रक पर है, आमतौर से आपने सोचा होगा कि जो ट्रक है वो सीमेंट बालू गिट्टी या सरिया ढोने के लिए होता है, लेकिन आप एक खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ ट्रक है जहाँ प्लेट लगती है, जहाँ लोग खाने पीने आते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि नीचे जो है चक्के भी हैं और उस पर ये पूरा कैफ़े सजा हुआ है। और फिर हम आपको दिखाएंगे विजुअल के माध्यम से कि आगे, और हमारे साथ आयुष जी हैं। आयुष जी, स्टार्टअप का एक नया तरीका है और ये एक अलग तरीके का आपने बना दिया है, क्या समझ करके आपने किया? तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोग तक आए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इस बार हमारे बिहार में हर ज़िले में जो फूड स्ट्रीट फूड का कल्चर है बहुत तेज़ी से बढ़ते आ रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे ही, तो स्ट्रीट फूड को कुछ नया कैसे किया जाए, कुछ इनोवेटिव कैसे किया जाए, तो हमने सोचा कि इस ट्रक को, फूड ट्रक को इसके ऊपर बैठने का भी किया जाए, क्योंकि हर जगह आप लोग जाते होंगे तो खाना को लेकर ऐसे अपने बाइक पे सपोर्ट पे या स्टूल बैठ के खाना होता था, तो हमने रोड पे ही चलता फिरता है। जो व्यस्त जिंदगी है, नौकरी करने वाले लोग हैं या छात्र हैं, वो खाना लेकर के रास्ते पे खड़े होते हैं गाड़ी में या बाइक पे, तो आपने वो ट्रक खड़ा कर दिया कि आप यहाँ ये सुकून से। बिल्कुल बिल्कुल, फूड ट्रक ही है आपके लिए, आप आके अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठ के ऊपर खाना खा सकते हैं। क्या क्या अभी स्पेशल है लोगों के लिए? तो हमारे यहाँ आपको पूरा मेन कोर्स मिलेगा, इंडियन चाइनीज मिलेगा, तंदूर मिलेगा, रोल्स मिलेगा, आप जो चाहें हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, शेक्स अवेलेबल है, और मात्र 39 रुपीज़ से हमारा स्टार्टिंग रन शुरू होता है और फिर चलते जाता है। युवाओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। जी बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं के लिए, और ये एक बहुत ही, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे यहाँ से बिहार म्यूजियम का व्यू है तो वो अच्छा एक फोटो पॉइंट भी है यहाँ पे। जी, हम आपको दिखाएंगे आगे कि ये जो कैफे है वो ट्रक पर बना हुआ है और हम आपको ऊपर ले चलते हैं। ये जो असल कहानी है इस कैफे की वो यही है कि यहाँ से ऊपर चढ़ने का ये खूबसूरत नज़ारा देखिए आप, कि किसी अच्छे होटल में 5 स्टार 3 स्टार होटल में ये आपको नज़ारा दिखेगा कि जो सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे तो लाइटिंग और ये जो ग्रास वाला सिस्टम है वो खूबसूरत तरीके से आपको दिखेगा। तो जब आप ऊपर आएंगे तो एकदम खुली छत है, यानी आपको लगेगा कि आप आंगन में बैठे हैं। गाँव में जो आंगन होता है वो बिल्कुल खुला होता है, छत के नीचे लोग आमतौर से बैठते हैं गाँव में। और यहाँ पर सबसे इसकी खूबसूरती जो है इस कैफ़े की, मैं आपको बता दूं कि ये बेली रोड है, राजधानी पटना का सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक की ये सड़क है और ये म्यूज़ियम है, इसके बारे में हर कोई जानता है, ठीक म्यूज़ियम के सामने है ये। और इससे भी अलग हट करके जो एक नई शुरुआत हुई है, जो युवा होता है वो स्टार्टअप करता है, कुछ नया सोच के करता है कि आसमान के नीचे, जब आप यहाँ आएंगे तो गाड़ी की आवाज़ आपको मिलेगी, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगेगी आपको कि आप आंगन में बैठे हैं, घर के आंगन में। लोग जब शहर से परेशान होते हैं तो गांव की तरफ जाते हैं, तो गांव जैसा माहौल है। आप यहां देखें कि आपके सर के ऊपर पेड़ पौधे भी हैं और ये छत पूरी खुली हुई है, ये ट्रक का ऊपर है और ये हल्का हल्का वाइब्रेट भी कर रहा है, खूबसूरत कुर्सियां लगी हैं। तो खाने के साथ साथ आपकी जो आत्मा है वो अंदर से आपको ही दुआ देगी कि कैसी जगह पर ले आए हो घुमाने के लिए। और ये खूबसूरत जगह है, इस खुली छत के अलावा सबसे अच्छी जगह ये है कि बेली रोड का ये शाहराह है और यहाँ पर आप कभी भी आ जा सकते हैं। ये राजधानी पटना के लोग इस जगह को अच्छे से जानते हैं और ये नया म्यूज़ियम जो बना है वो है, अगर आप सचिवालय की तरफ से आते हैं तो यहाँ रुके, या इनकम टैक्स की तरफ से जाते हैं तो भी रुक सकते हैं आप। तो ये एक राजधानी में नए तरीके का जो है स्टर्लिंग कैफ़े है कि ट्रक के ऊपर बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में है। तो अगर आप खाने के शौकीन हैं और खाने के साथ साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसी बातें करना चाहते हैं, जैसे गाँव में आप खाट पर बैठ के बात करते हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आइए, ट्रक पर बैठिए और खाने का आनंद लीजिए। और खूबसूरत नज़ारा है कि आप सेल्फी पॉइंट भी, आपके लिए आप सेल्फी भी ले सकते हैं, और सर के ऊपर छत नहीं है लेकिन पेड़ है जो आपको ऑक्सीजन देगा और आप अपनी पेट की जो है भूख
वो मिटा सकते हैं। तो राजधानी में ऐसी नई नई खबरों के लिए आप बने रहें इस फाउंडेशन के साथ।